हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया है उसे भी क्लिक करें ताकि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो लहसुन लिया है, तो आप देख सकते हैं लहसुन को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो डस्ट होता है उसे अच्छे से निकाल लेंगे और अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, आप कोई भी बर्तन ले लो, आप बड़ा बर्तन लेना, और उसमें हम एक चम्मच से दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ दो चम्मच तेल डालना है। और जो हमने लहसुन की कलियाँ निकाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लहसुन छीलने का जो तरीका है, लहसुन जो हम जब छीलते हैं तो हमारे नाखून काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल भी नाखून दर्द नहीं होगा और आप इजीली अकेले ही निकाल पाएंगे ढेर सारे लहसुन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। तो मैंने इस जगह को अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो हम यहाँ पे लहसुन डाल देंगे और इसे हल्के हल्के से हम अपने हाथों से रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या होगा, लहसुन के जो ऊपर के छिलके होते हैं वो नरम हो जाएंगे और अपने आप निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो क्या करना है, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप टवल ले सकते हैं, जो रफ़ कपड़ा होता है यानी कि दरदरा टाइप होता है वैसा वाला आप क्लॉथ ले सकते हैं, और क्लॉथ में रख कर आप इसे रगड़ सकते हैं, इजीली निकल जाते हैं। और थोड़े लहसुन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, नहीं निकलते हैं, तो वो भी हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ लहसुन जो है अपने आप निकल गए हैं, जब हमने इसे रगड़ा ना तो अपने आप ये थोड़े लहसुन निकल गए। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे और बाकी का जो लहसुन है उसे फिर से 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट हम इसे रख देंगे साइड में। अब हम क्या करेंगे, एक सुपेली में इसे ले लेंगे तो अब हम इसे सुपेली में ले लेंगे और जो लहसुन के छिलके हैं उसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, आपको इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर नॉर्मली आप निकालने बैठेंगे तो आपके उंगलियों के जो नाखून होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ना तो आपके हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपकी उंगलियाँ जो है वो भी दर्द नहीं होगा। तो ये प्रोसेस ना बेस्ट है, आप इसे ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको निकालना है तो आप अकेले खुद 10 मिनट में इसे निकाल पाएंगे। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे छिला भी नहीं और ये अपने आप लहसुन के छिलके निकल गए हैं। और जो नहीं निकले हैं वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर आप अपने दोनों हाथ से हिलाएंगे तो ये बहुत ही इजीली निकल जाएंगे, आपको इसमें मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो नहीं निकला है आप उसे इस तरीके से निकाल सकेंगे। ये वीडियो नॉर्मल स्पीड में है, मैंने स्पीड में नहीं रखा है, तो ये देखिए कैसे निकाल रही हूँ, आप अच्छे से देखना। आप तो ये देखिए कितने इजीली निकल जा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। थोड़ा सा ही ऑयल अप्लाई करना है आपको यहाँ पे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। आप आधा किलो लो या फिर आप 1 किलो लो, आप इजीली अकेले अपने आप से निकाल पाएंगे। तो अगर आपको लहसुन छीलना है तो आप ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ लहसुन अपने आप से निकल गए हैं और कुछ लहसुन जो है अभी उसके छिलके नहीं निकले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से एक बार हम इसे रगड़ेंगे। आपको ज़्यादा नहीं रगड़ना है, बस हल्के से आप इसे हल्के हल्के से अपने दोनों हाथों में लेके इसे मलना।
मलने से क्या होगा, जो छिलके जो है वो ऑटोमेटिक इजीली निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर आप निकालेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए जैसे मैं रगड़ रही हूँ ना, तो अपने आप छिलके जो है बाहर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे छीलना नहीं पड़ेगा, आप बस रगड़ेंगे इसे 2-3 बार, हाथों में मसलेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। और जो निकलने के बाद हम इसे सूप में लेके इसे फटकेंगे ना, तो जो इसके छिलके होते हैं वो निकल जाएंगे, तो हम उसे हटा देंगे। और हटाने के बाद जो लहसुन ऑलरेडी उसके छिलके निकल गए हैं, हम उसे चुन लेंगे और एक बर्तन में रख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि थोड़े लहसुन काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, नहीं निकलते हैं, तो हम उसे भी इजीली निकाल सकते हैं। हमारे हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, इजीली हम इसे निकाल पाएंगे। तो आप एक बार ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करके देखना, आपको सीरियसली ये वीडियो बहुत काम आएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। तो आप एक बार ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।